3200 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने वाली कंपनी के दो सदस्यों को आगरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये सफलता आगरा की थाना सिकंदरा पुलिस को शुक्रवार की रात मिली। दरअसल ये लोग सोशल साइट पर क्लिक और लाइक करने के नाम पर कंपनी के सदस्यों लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे। इस संबंध में थाना सिकंदरा में मुकदमा दर्ज किया गया था। पेवे आईटी सॉल्यूशन कंपनी नाम से कंपनी बनाकर इन लोगों ने अब तक 3800 करोड़ रुपए की लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। खुलासे में लगी थाना सिकंदरा सर्विलांस टीम को बीती रात ये सफलता हाथ लगी। एसपी सिटी आगरा प्रशांत वर्मा ने बताया कंपनी के दो लोग वर्ष 2018 में जेल जा चुके हैं, जबकि इन कंपनी के दो व्यक्ति अमित और वरुण फरार चल रहे हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। कंपनी के लोगों द्वारा क्लिक और लाइक करने के नाम पर 3 प्लान तैयार किए गए थे और तीनों प्लान के मुताबिक लोगों के साथ में धोखाधड़ी की गई। इस संबंध में यशपाल नाम के व्यक्ति ने थाना सिकंदरा में मुकदमा पंजीकृत करवाया था। मुकदमा करने आने वाले यशपाल से 14 यूजर आईडी फर्जी बनवाकर 13,80,000 रुपए की ठगी की गई। पूछताछ में सामने आया कि इन लोगों ने आगरा के अलावा अन्य राज्यों में भी लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, जिनके मुकदमे ताजनगरी आगरा के अलावा अन्य राज्यों के थानों में दर्ज हैं। इसके अलावा आगरा पुलिस इनका और अपराधी के इतिहास खंगालने में जुट गई है। इसमें वर्ष 2017 में इधर दो अभी फरार चल रहे थे, जिन्होंने लगभग 3800 करोड़ रुपए के फ्रॉड वाली कंपनी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में वरुण गुप्ता कंपनी के मालिक और सिक्योरिटी उनकी अमित सक्सेना शामिल है। वर्ष 2017 में उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवाया गया था यशपाल निवासी सिकंदरा द्वारा। इन्होंने पे वे आई टी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई, इसके द्वारा इन्होंने उनको ये झांसा दिया कि सोशल मीडिया साइट्स पर लाइक करने के लिए हमको पेमेंट किया जाएगा पर क्लिक बेसिस पर, और इसके एवज में उन्हें पहले कुछ राशि कंपनी को जमा करानी पड़ेगी। यशपाल द्वारा शिकायत क्या कराई थी कि इन्होंने इनसे 13-14 यूजर आईडी बनवाने के नाम पे 13,80,000 रुपये ले लिए थे, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे भविष्य में आपको पेमेंट करते जाएंगे। इस संबंध में वर्ष 2017 में थाना सिकंदरा में मुकदमा अपराध संख्या 1274/17 4420 और 66 आई टी एक्ट के अंतर्गत दर्ज कर ली गई थी। इसमें ये विभिन्न विकल्प दिखा करके ठगी करते थे और इस तरीके से इन्होंने काफ़ी बड़े स्तर पर लोगों को ठगा है। वर्ष 2018 में इसमें दो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था और ये दो लोग फरार चल रहे थे। जनपद आगरा को सफलता प्राप्त हुई है, जो वरुण कुमार जो वर्तमान निवासी गाजियाबाद और मूल निवासी बिजनौर के हैं, और अमित सक्सेना जो वर्तमान में नोएडा में रह रहा था और मूल निवासी बिजनौर का है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका जो आपराधिक इतिहास है इसके बारे में खंगालने पर पता चला है कि इनके विरुद्ध जनपद आगरा में थाना सिकंदरा के अलावा जनपद गाजियाबाद के थाना लिंक रोड में 420 के अंतर्गत 2017 में मुकदमा दर्ज है, और साइबर क्राइम थाना गुरुग्राम हरियाणा में 26/18 धारा 420 दर्ज है। इसके अतिरिक्त अभी अन्य स्थानों पर अन्य राज्यों में दर्ज मुकदमों की जानकारी की जा रही है। गिरोह में सर और कितने लोग अभी शामिल हैं? गिरोह में अभी तक